डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है, है यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है। क्या इस बड़े संकट के बारे में आपने कुछ सुना है, देखा, जाना या समझा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बड़े संकट की बात कर रहे हैं जो समाज में अराजकता फैला सकता है? आज हम उसी खतरनाक सच की रियल स्टोरी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं रुचि अनुरुद्ध। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठे और देखा कि सोशल मीडिया पर आप ट्रेंड कर रहे हैं, आपको ट्रोल किया जा रहा है, और वो भी एक ऐसे वीडियो के लिए जो आपका है ही नहीं। उस वीडियो में गलत तरीके से आपका चेहरा लगा दिया गया है, और उस 5 सेकंड के वीडियो ने जीवन भर कमाई गई आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, और ऐसा होने की संभावना बहुत प्रबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग से बनने वाला डीप फेक कंटेंट आपकी छवि को बर्बाद कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एआई के संभावित दुरुपयोग को उजागर किया, डीप फेक वीडियो के अकल्पनीय खतरे से देश को आगाह कराया। 17 नवंबर को नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आयोजित दिवाली मिलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने डीप फेक को गंभीर खतरा और चिंता का विषय बताया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है, और बाय एंड लार्ज आजादी की लड़ाई से लेकर के भारत में जिस भी चीजों से मीडिया शब्द जुड़ता है उसकी एक इज्जत है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, गिरे हुए कपड़े हैं तो हमारे यहाँ एक स्वाभाविक उसके विरासत में इज्जत मिल जाती है उसको, वैसा मीडिया को भी है, एक विरासत का लाभ उसको मिलता है, और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है। वैसे एआई से बना डीप फेक वीडियो कोरी बातें नहीं है। आपने भी तो देखा होगा ना कि एक वीडियो में एक्टर रश्मिका मंदाना लिफ्ट के अंदर आती है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, देखने वालों को लगता है कि वीडियो में रश्मिका मंदाना ही है, लेकिन ये सच नहीं। असल में वीडियो रश्मिका मंदाना का डीप फेक है। रियल वीडियो एक ब्रिटिश भारतीय लड़की जारा पटेल का है। इसके बाद आए दिन सोशल मीडिया पर मशहूर हस्तियों और नेताओं के डीप फेक ऑडियो वीडियो ट्रेंड करने लगे। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर भी एआई की डीप फेक तकनीक का शिकार हुई। सारा तेंदुलकर के अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल का भी डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डांस करते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ। जाहिर सी बात है कि गरबा के इस वीडियो में खुद प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूँ और मैं खुद भी देख रहा, क्या बढ़िया बना है। जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे, मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, गरबे बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है, उसने बना के रख दिया है और चल रहा है, और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता हूँ, मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया, लेकिन एक चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंसते हुए पूरी कहानी बता गए, लेकिन ये भी कहा कि विषय चिंता का है। खैर, डीप फेक के खतरे को अगर समझना है तो हमें पहले ये समझना होगा कि डीप फेक क्या है और इन्हें कैसे बनाया जाता है। तो क्या है डीप फेक? क्या आप जानते हैं कि डीप फेक शब्द कब और कहां से आया? पहली बार 2017 के अंत में डीप फेक शब्द सुना गया। इस नाम को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने बनाया था। डीप फेक एक मल्टीमीडिया कंटेंट यानी फोटोग्राफ या वीडियो है जिसमें किसी व्यक्ति के चेहरे या शरीर को एक अलग व्यक्ति के रूप में दिखाने के लिए एडिट या संशोधित किया जाता है। डीप फेक किसी भी व्यक्ति को ऐसे वीडियो या फोटो में जोड़ देता है जिसमें वो व्यक्ति वास्तव में कभी शामिल ही नहीं हुआ। इसका उपयोग ऐसी घटनाओं का सबूत बनाने के लिए किया जाता है जो कभी घटित ही नहीं हुई। ये तकनीक नई नहीं है। आपको हॉलीवुड की फास्ट एंड फ्यूरियस 7 फिल्म तो याद होगी। इस फिल्म में डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म की शूटिंग पूरी करने के लिए दिवंगत अभिनेता पॉल वॉकर का डीप फेक बनाया गया था,
पहले इस तकनीक के उपयोग से ऐसा प्रभाव पैदा करने में बहुत बड़ी टीम को करीब एक साल लग जाता था, जबकि अब आधुनिक डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी व्यक्ति एक फेक फोटो या वीडियो बहुत कम समय में तैयार कर सकता है। कैसे बनाए जाते हैं डीप फेक? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर फेक कंटेंट बनाने के लिए डीप लर्निंग का इस्तेमाल होता है, जिसे डीप फेक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। डीप फेक बनाने वाला व्यक्ति पहले एक न्यूरल नेटवर्क मशीन को प्रोग्राम करता है। मशीन में किसी व्यक्ति का रियल वीडियो फुटेज फीड करता है। मशीन डीप लर्निंग के माध्यम से सुनिश्चित करती है कि अलग अलग लाइट और एंगल्स में वो व्यक्ति कैसा दिखता है। फिर न्यूरल नेटवर्क मशीन डीप लर्निंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स तकनीक की मदद से वीडियो में दिखने वाले व्यक्ति का चेहरा या शरीर किसी और व्यक्ति के चेहरे या शरीर से बदल देती है। दुर्भाग्य ये है कि AI और डीप फेक बनाने का तरीका सीखने के लिए कई ऑनलाइन एप्स, YouTube ट्यूटोरियल्स और सॉफ्टवेयर बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। डीप फेक चिंता का विषय क्यों है? डीप फेक की जब शुरुआत हुई तो ज्यादातर उसका उपयोग कॉमेडी कॉन्टेंट के लिए किया गया। किसी सेलिब्रिटी के चेहरे पर किसी और का चेहरा मनोरंजन के लिए लगा दिया जाता था, हालांकि देखने वालों को ही पता होता था कि ये वीडियो या तस्वीर नकली है। लेकिन AI जैसे जैसे तकनीकी रूप से मजबूत हो रहा है, डीप फेक और असली को पहचान पाना एक चैलेंज बन गया है। चिंता का विषय इसलिए क्योंकि इसके इस्तेमाल से किसी भी व्यक्ति, चाहे वो राजनेता हो, अभिनेता हो या कोई भी पब्लिक फिगर या आम आदमी, किसी की भी छवि को कलंकित किया जा सकता है। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आप भी देखते होंगे जिसमें कोई जाना माना व्यक्ति ऐसे बयान दे रहा है जो वास्तव में उन्होंने कभी कहा ही नहीं। सोचिए कि क्रिमिनल्स डीप फेक का उपयोग जालसाजी और धमकी तक देने के लिए कर सकते हैं। डीप फेक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। चिंता का विषय इसलिए क्योंकि डीप फेक से किसी भी तरह का झूठ फैलाकर अराजकता का माहौल पैदा किया जा सकता है। मॉडर्न AI ने डीप फेक बनाना इतना आसान कर दिया है कि इससे आपकी छवि को बर्बाद किया जा सकता है। खासतौर पर लड़कियों और महिलाओं के लिए ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ एक और जरूरी बात ये कि कोई जाना माना व्यक्ति डीप फेक का शिकार होता है तो वो सोशल मीडिया के जरिए कम से कम अपने लाखों करोड़ों फॉलोअर्स तक सच पहुंचा तो सकता है, लेकिन आम इंसान ऐसे में क्या करेगा? उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए डीप फेक से सिर्फ खास लोगों को नहीं, आम लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि AI और डीप फेक पर लोगों को शिक्षित करना आवश्यक है। मान लीजिए कहीं कोई एक गलत चीज ने कोई नई समस्या पैदा कर दी, अगर सरकार को वहां पहुंचना है तो डिस्टेंस भी तो मैटर करता है। अब आपको तो डिस्टेंस समय मैटर ही नहीं करता है, तुरंत पहुंच जाता है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। चलिए तो हम लोग समझ लेते हैं कि डीप फेक का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हम सबके लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है। ऑटोनोमस वेपन सिस्टम का अनियंत्रित और गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। समाज में गलत जानकारी फैलाकर अराजकता पैदा की जा सकती है। वित्तीय बाजार में हेरफेर की जा सकती है। किसी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और साख पर हमला किया जा सकता है। आम लोगों की प्राइवेसी पर हमला हो सकता है। आतंकवाद और नक्सलवाद को जायज ठहराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे साइबर अटैक्स किए जा सकते हैं और राष्ट्र विरोधी नैरेटिव का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। इन 10 बिंदुओं में इतने खतरे छिपे हैं जो व्यक्ति, समाज, देश और दुनिया के लिए इतने घातक हो सकते हैं जिसकी हम और आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मोदी सरकार भी AI के दुरुपयोग और डीप फेक पर बेहद गंभीर है और आपको और हमको भी सचेत रहना चाहिए। रियल स्टोरी के इस एपिसोड में आज इतना ही। AI और डीप फेक पर आपकी क्या राय है हमें लिखकर जरूर बताएं। रियल स्टोरी के अगले एपिसोड में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।